आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ की। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए जनपद पुलिस ने 8 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के 13 मोटरसाइकिल सहित पिस्टल व 6 असलहा बरामद किया है। पुलिस सभी पकड़े गए अपराधियों की पिछला आपराधिक इतिहास खंगालने में लगी है, साथ ही जहां जहां वाहन चोरी की घटनाएं हुई है उससे बरामद हुई मोटरसाइकिल का मिलान करने में लगी है। बताते चले कि पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय ने पुलिस लाइन सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि जनपद में लगातार की जा रही आपराधिक समीक्षा में वाहन चोरी की घटनाएं प्राप्त हो रही थी, जिसके तहत एक टीम बनाकर इस संबंध में बड़ी कार्यवाही की गई है, जिसमें स्वॉट टीम, एसओजी एवं सर्विलांस टीम सहित मोहम्मदाबाद कोतवाली को उस वक्त सफलता हाथ लगी, जब मुखबिर की सूचना पर भीरा मोड़ पर चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 6 अवैध असलहा 9 जिंदा कारतूस प्राप्त हुआ है। अपराधियों से हुई पूछताछ और उनकी निशानदेही पर पुलिस को उनके पास से होंडा शाइन, स्प्लेंडर, आई स्मार्ट, एवेंजर सहित कुल 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई। वहीं सरायल खंसी थाना अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई। इस तरह से जनपद में एक साथ 13 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सभी अपराधियों को उक्त वारदात के संबंध में चालान न्यायालय कर जेल भेज दिया। इस कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक ने 20,000 रुपए नकद पुरस्कार से सम्मानित किया। लगे हुए थे तो उसी क्रम में थाना अहमदाबाद और थाना सराय लखनसी में ये अच्छी एक बरामदगी हुई है। थाना सराय लखनसी में 8 चोरी की मोटरसाइकिलें, जिसमें से कई सारी मोटरसाइकिलें हाल की चोरियों से कनेक्ट हो गई हैं। उसके साथ साथ थाना मोहम्मदाबाद गोना में 5 मोटरसाइकिलों के साथ साथ जो ये अपराधी पकड़े गए हैं, 6 अभियुक्त थाना मोहम्मदाबाद से गिरफ्तार किए गए हैं, उनके पास से 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और 3 तमंचा भी बरामद हुआ है। इन लोगों को जब रोकने का प्रयास किया गया था मोहम्मदाबाद में, तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया था, लेकिन इन्हें बड़ा हिकमत अमली दिखाते हुए और साहस के द्वारा पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया है। तो ये उम्मीद है कि इससे जो बाइक चोरी है उस पर रोकथाम लगेगी और आम जनता को राहत मिलेगी।